इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार आपकी सरकार हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से, सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए हैं। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। ये है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं, और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे, मगर इनकी नीयत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। नोटबंदी से आपको फायदा हुआ? जीएसटी से आपको फायदा हुआ? किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ? ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, और वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है,
रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। अदानी धारावी की जमीन छीन सकता है आपसे, मगर रोजगार नहीं दे सकता है। यह पूरा देश जानता है। रोजगार कौन देते हैं? स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। और इन सबको बीजेपी के लोगों ने, इनकी सरकारों ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है। और अगर आप देखें, आज हिंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं, कमजोर लोग देते हैं, छोटे दुकानदार देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से पता नहीं लगता। आप शर्ट खरीदते हो, टैक्स लगता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, टैक्स लगता है। सब जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहता है। आपके कंधों पे ये सब बीजेपी की पॉलिसीज हैं। मैंने संविधान की बात की, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है। और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना, 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट 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 नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी, तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी